Students, today is lecture number 13 of class inter. Dear students, in last lecture we have completed some problems or some questions of exercise 6.3. Now in this lecture we are going to solve another question, and question number two is here: integration of cos square 3x plus 2 dx. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 एक्स अपॉन 2। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्लास फर्स्ट ईयर में स्टडी कर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स करने हैं। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 एक्स अपॉन 2। तो इस हिसाब से जहाँ जहाँ x होगी वहाँ 3x प्लस 2 रखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 इंटू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 4 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे अलग अलग, 1 अपॉन 2 डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इजी नाउ टू सॉल्व दिस 6x प्लस 4। यहाँ पे जो cos x वाला है हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट यू आर टी बराबर 6x प्लस 4, उसको यू के बराबर या टी के बराबर करेंगे। जबकि हम जानते हैं कि cos x की इंटीग्रेशन जो होती है sin x के बराबर होती है, तो हमने x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 12 रखेंगे, क्योंकि 6x की इंटीग्रेशन 6 होगी, तो 6 मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 12 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 12 sin 6x प्लस 4, जस्ट हमने जो x की जगह या टी यू की जगह पे वैल्यू रिप्लेस किया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, नंबर 3 प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होल पावर क्यूब x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू डी एक्स, इस साइन x क्यूब को हमने जो है क्रॉस करना है साइन स्क्वायर इंटू साइन x में, जबकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखना है साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे, जबकि यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स से, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इंटू डी एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन डी एक्स। बाय द इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होगी माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर को जो है लेट करना है, कॉस स्क्वायर को अगर लेट करेंगे तो यहाँ पे साइन साइन में कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो हो जाएगी वो कॉस क्यूब अपॉन 3 प्लस सी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, बिल्कुल ही आसान वे। और इसी तरह नंबर 4, यहाँ पे कॉस होल पावर फाइव एक्स इंटू डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने जस्ट जितना भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर जितना पावर होगा हमने उस पावर को तोड़ना है, उनके हिस्से करने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू होल स्क्वायर डॉट कॉस एक्स रखना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। जबकि अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4 इंटू कॉस एक्स। अब हमें कॉस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इस हिसाब से नंबर, इसी तरह नंबर 5 प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने साइन x इंटू कॉस क्यूब एक्स को हमने ब्रेक करना है कॉस स्क्वायर इंटू साइन कॉस एक्स में, और कॉस स्क्वायर जबकि बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर इंटू कॉस डी एक्स डैश इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस एक्स। जबकि हम जानते हैं यहाँ पे साइन हमने लेना है लेट के बराबर, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 आ जाएगा माइनस साइन 5x साइन 5x इंड ऑफ डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह नंबर 6 प्रॉब्लम, कॉस 4 इंटू 2x साइन होल क्यूब इंटू 2x। तो हमें ब्रेक करना है 2x को,
यहाँ पे साइन क्यूब एक्स को हमने ब्रेक करना है, तो साइन टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर टू एक्स को हमने वन माइनस कॉस टू एक्स आइडेंटिटीज रखना है, उसके बाद हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है कॉस टू एक्स को यहाँ पे हमने लेट करना है यू के बराबर, और उसके बाद जो जवाब आएगा माइनस वन अपॉन कॉस होल पावर फोर एक्स इंटू टू एक्स माइनस टू साइन टू एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन टू कॉस सिक्स एक्स टू एक्स इंटू माइनस टू इंटू साइन टू एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स एन अदर यहाँ पे भी हमने जो है लेट करना है कॉस टू एक्स को, कॉस टू एक्स को लेट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स माइनस टू इंटू साइन टू एक्स आ जाएगा, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से जो जवाब आएगा माइनस कॉस फाइव टू एक्स अपॉन टेन प्लस कॉस होल पावर सेवन टू एक्स अपॉन फोर्टीन। अनदर नंबर एट प्रॉब्लम इज हियर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन फोर एक्स होल पावर फोर इंटू डी एक्स। इस हिसाब से यहाँ पे अब हमें जो पावर फोर है इसको हमने स्क्वायर करना है, जिस तरह साइन स्क्वायर एक्स इंटू होल स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर किया, उसके बाद साइन हो स्क्वायर एक्स जो है जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो बराबर होती है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू के। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे वन माइनस कॉस टू एक्स टू पुट करना है, यहाँ पे उसका होल स्क्वायर हल करना है। इस हिसाब से अगर होल स्क्वायर इसका हल करेंगे तो जवाब आएगा वन माइनस टू कॉस टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाई फोर इंटू डी एक्स। तो अब हमें फोर को हर एक से डिवाइड करना है, तो वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एंड टू अपॉन टू इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स वन अपॉन फोर कॉस स्क्वायर टू एक्स। इस तरह से अनदर कॉस स्क्वायर को हमने तोड़ना है वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू में, तो इसी तरह वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वन अपॉन टू कॉस टू एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन फोर वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू। नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे टू एक्स लेंगे, टू एक्स यहाँ पे लेट लेंगे दूसरे नंबर में, और लास्ट फोर में फोर एक्स को हमने लेट करना है u के बराबर। तो इस हिसाब से जो जवाब आएगा x अपॉन फोर माइनस टू साइन टू एक्स अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन एट प्लस साइन फोर एक्स अपॉन थर्टी टू प्लस सी। इसी तरह नंबर नाइन प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, जबकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से कॉस स्क्वायर एक्स वो बराबर होता है वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू के, साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू के। तो हमने जस्ट उनको रिप्लेस करना है वन माइनस कॉस टू एक्स एंड वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फोर आ जाएगा। इस हिसाब से वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन फोर डी एक्स इंटू माइनस वन अपॉन फोर इंटू वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू। तो नाउ कॉस फोर एक्स डी एक्स यहाँ पे फोर एक्स को लेट यू के बराबर करेंगे, तो फोर एक्स लेट डेरीवेटिव करेंगे तो फोर आ जाएगी, तो फोर मल्टीप्लाई करेंगे एट से, तो एट मल्टीप्लाई फोर तो थर्टी टू हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का जो जवाब आएगा एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स अपॉन एट माइनस वन अपॉन थर्टी टू इंटू साइन फोर एक्स प्लस सी। इसी तरह से साइन होल पावर फोर इंटू थ्री होल पावर फोर थ्री एक्स डॉट होल कॉस क्यूब इंटू थ्री एक्स डी एक्स। तो इस तरह अब हमें इसी तरह जिस तरह हम पिछले लेक्चर्स में कर कर आए, साइन फोर एक्स को हमने रखना है, साइन स्क्वायर को जो है ब्रेक करना है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और कॉस स्क्वायर को हमने ब्रेक करना है, साइन को भी ब्रेक करना है। तो साइन फोर डी एक्स इंटू थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स डी एक्स माइनस साइन सिक्स थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी बोथ साइड्स। थ्री एक्स को हमने यहाँ पे साइन फोर एक्स थ्री एक्स को लेट करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा थ्री इंटू कॉस थ्री एक्स, और यहाँ पे भी साइन होल पावर सिक्स इंटू थ्री एक्स है, तो यहाँ पे भी हमने लेट करना है साइन को साइन थ्री एक्स को, तो लेट करेंगे u के बराबर, तो डेरिवेटिव इसकी थ्री इंटू कॉस थ्री एक्स आ जाएगी। इस हिसाब से जो जवाब आएगा वन अपॉन फिफ्टीन एंड टू साइन फाइव थ्री एक्स माइनस वन अपॉन सेवन
साइन होल पावर 7 इंटू 3x प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह नंबर 8 भी इसी तरह होगा, 10 पावर 5x इंटू डी एक्स, 10 पावर 5x, 10 5 को हमने तोड़ना है, 10 3x डॉट 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, जस्ट उसे रिप्लेस करना है और हमें मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। जिस तरह हमें जानते हैं कि 10 की इंटीग्रेशन 4x अपॉन 4 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होती है, तो इसी तरह आ जाएगा। तो sec होल पावर 4 2u इंटू डी यू, इस तरह sec की 1 प्लस 10 स्क्वायर यू, जस्ट हमने रिप्लेस करना है वैल्यू और मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इसी तरह नंबर 20 10 क्यूब 3x इंटू sec 4 3x इंटू डी एक्स, जबकि यहाँ पे भी हमने sec को ब्रेक करना है, sec स्क्वायर 3x डॉट sec स्क्वायर 3x, और 10 3 होल पावर 3 इंटू 3x, उसमें हमें ब्रेक करना है, यहाँ पे 10 स्क्वायर 3x की जगह पे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हिसाब से, जबकि 10 बराबर होता है sec स्क्वायर माइनस 1 के, तो वो वैल्यू हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे। इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 3x डॉट sec स्क्वायर x dx प्लस 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10 3x इंटू sec स्क्वायर 3x dx, तो अब यहाँ पे लेट करना होगा 10 3x को, लेट करेंगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा 3x, तो इसी तरह इस तरफ भी हमें लेट करना है 10 3 इंटू 3x को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 18 10 6 इंटू 3x प्लस 1 अपॉन 12f 10 पावर 4 इंटू 3x प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 10 4 इंटू x अपॉन 3 sec 4 x अपॉन 3 इंटू dx, तो इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन किस तरह होगी, इसको भी हमने 4 को हमने जो है ब्रेक करना होगा sec को, तो sec स्क्वायर इंटू डॉट sec स्क्वायर x x अपॉन 3 को हमने, जबकि sec स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल्स किए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी sec को ब्रेक करके 10 रखना है और 10 को इंटीग्रेशन हल करनी है। इसी तरह नंबर 22 में 10 स्क्वायर x इंटू sec x, 10 स्क्वायर जबकि बराबर होता है 10 इंटू 10 x log, जबकि t यहाँ पे लेंगे sec x के बराबर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 10 x इंटू sec स्क्वायर x, 10 x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर t माइनस 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 a स्क्वायर log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। तो t बराबर sec स्क्वायर x के रखी थी हमने, लेट की थी, तो वहाँ पे sec स्क्वायर रखेंगे माइनस 1 अपॉन 2 log sec x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 टेन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स नंबर 23 इज हियर, 10 क्यूब 2x sec 3 इंटू 2x, तो sec क्यूब को हमने जो है ब्रेक करना है, तो यहाँ पे sec क्यूब 2x यहाँ पे इंटू डॉट 10 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 2x बराबर होता है sec स्क्वायर 2x माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे sec 5 2x डॉट 10 2x इंटू आ जाएगा, और उसके हिसाब से 1 अपॉन 2 sec 2x इंटू sec 2x 10 2x डॉट 2 dx और 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x इंटू 2x, यहाँ पे sec x लेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 10 sec पावर 5 2x माइनस 1 अपॉन 6 sec क्यूब इंटू 2x। डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। दिस एक्सरसाइज इज नाउ कंप्लीटेड, यू हैव टू सॉल्व मस्ट remaining problems of this exercise 6.3 and you have to submit in group in the form of assignment. Thank you dear students.